हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक ऐसा मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिसे आप यूज़ करके किसी भी तरह की इंजरी से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, छोटा सा इंजरी होने से ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं, एमआरआई करते हैं, एक्सरे करते हैं, चाहे वो इंजरी छोटा हो या बड़ा हो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ, इस मेडिसिन को आप यूज़ करके किसी भी तरह की इंजरी से जल्द छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो इंजरी छोटा हो या बड़ा हो, आप जल्द से जल्द उसे ठीक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, यह मेडिसिन किस तरह की इंजरी में ज़्यादा असरदार है, यानी किस तरह की इंजरी में यह ज़्यादा काम करते हैं, और यह शरीर में कैसे काम करता है, और इसे लेने का तरीका क्या है। इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैं हूँ डॉक्टर नजमा बेगम और आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हुआ हो, जिसे हम हिंदी में अकर्तक यंत्र भी कहते हैं, अगर उस तरह के इंस्ट्रूमेंट से आपको चोट लगा है, तो उस तरह की इंजरी में यह मेडिसिन ज़्यादा काम करते हैं। यह मेडिसिन इंजरी के बाद होने वाले कंडीशन में ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप गिर जाते हैं या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर कोई आके आपको मुक्का मार दिया, तो जहाँ पर चोट लगता है वहाँ का जो स्किन है वो फटती नहीं है, लेकिन वहाँ का जो अंदर वाला लेयर है स्किन का, वो डैमेज हो जाते हैं और वहाँ का जो छोटा छोटे कैपिलरीज होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिसके वजह से ब्लीडिंग होते हैं और वहाँ का स्किन नीला दिखने लगते हैं। इस कंडीशन को हम लोग ब्रूज भी कहते हैं, और इस कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यह मेडिसिन उस जगह के ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और वहाँ का ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं, जिससे जो नीला पड़ जाते हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं, और यह मेडिसिन ब्लड को एब्जॉर्ब करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यह मेडिसिन कॉन्कशन में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कॉन्कशन यानी सिर में चोट लगने की वजह से ब्रेन में आघात होना। अगर आप सिर के बल गिर जाते हैं और आपको ब्रेन में चोट लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है इंटरनल हेमोरेज भी हो जाते हैं गिर जाने की वजह से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रोक हो गया उसके वजह से आप शॉक में हैं, या गिर गए और आपको ब्रेन में इंटरनल हेमोरेज हो गया, तो इस तरह के कंडीशन में भी यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि इसका मेन फंक्शन है ब्लड वेसल्स को डायलेट करना और वहाँ का जो ब्लड है जो जम जाते हैं उसको एब्जॉर्ब करना। इसलिए यह मेडिसिन इस तरह की कंडीशन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यह मेडिसिन फ्रैक्चर में भी बहुत ज़्यादा काम करती है, हालांकि इसके लिए हम अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट एड के तौर पर यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। ओवरऑल यह मेडिसिन उस तरह की इंजरी में काम करता है जहाँ पर स्किन फटती नहीं है और स्किन का जो अंदर वाला लेयर है वो फट जाते हैं, जिसके वजह से खून जम जाता है, वहाँ पर सूजन आ जाता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है। इस तरह की इंजरी में यह मेडिसिन ज़्यादा काम करते हैं। और एक बात, यह मेडिसिन जितना पुराना इंजरी क्यों ना हो उसे ठीक करने में मदद करती है। अगर आपको सालों पुराना चोट लगा हो और उसका इफ़ेक्ट अभी भी हो रहा है, तो इस मेडिसिन को एक बार ज़रूर ट्राई करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। देखिए, यह मेडिसिन बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सब में काम करता है, सब कोई इसे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो घर पर यह मेडिसिन रखना ज़रूरी है ही, क्योंकि बच्चे जब चलना सीखते हैं तो गिरते रहते हैं और चोट लगना आम बात है उन लोगों के लिए, इसलिए इस मेडिसिन को घर पर ज़रूर रखें। और देखिए, आजकल के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सबको चोट लगना आम बात हो गई है, इसलिए इस मेडिसिन को घर पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस मेडिसिन का नाम है आर्निका मोंटाना, और इसे लेने का तरीका है, अगर आपका चोट नहीं है तो प्रतिदिन आर्निका 30 पोटेंसी में 3 से 4 बार लें। अगर आपका इंजरी 14 दिन से पुराना है तो आर्निका 200 पोटेंसी में दिन में एक बार लें। अगर आपका चोट 3 से 4 महीना पुराना है तो आप आर्निका मोंटाना 1 पोटेंसी में सप्ताह में एक बार सेवन कर सकते हैं। अगर आपका इंजरी सालों पुराना है तो आप महीने में एक बार लें 1 पोटेंसी या 10 पोटेंसी में, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कोई मेरा चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।